हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं। तो आज हम बनाएंगे मछली और सोयाबीन की रेसिपी। तो इसके लिए है ना, एक किलो संवारी मछली लिया है और ये आधा पाव हमने सोयाबीन का बड़ी लिया है। तो इसको हमने अच्छे से भिगोकर धोकर निचोड़ लिया है इसके पानी को। और ये हमने हल्दी लिया है, ये मिर्ची पाउडर है, ये नमक है और ये लहसुन है, ये अदरक है, ये चार बड़े साइज के प्याज को काट कर रखा है हमने, ये है जीरा, ये प्याज के पत्ते, ये मेथी पत्ते, ये बहुत सारे धनिया के पत्ते और ये चार बड़े टमाटर को हमने काट लिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो मछली है इसको हमने तो ये बिल्कुल अच्छे से साफ कर लिया है, धो लिया है। अब इसमें हम ये है धनिया पाउडर और ये है गरम मसाला, चिकन मसाला। तो सबसे पहले हम इस फिश में आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे और ये आधा चम्मच नमक डाल देंगे। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। अच्छे से मिक्स हो गया है। अब कुछ देर तक इसको रख देंगे, दूसरा काम करते हैं हम। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी नमक, इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से हम। तो देखिए, आज मैंने ये नया कड़ाही लिया है, इसी से आज मैं इसी का उद्घाटन कर रही हूँ, इसी में बनाऊंगी आज का खाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने कड़ाही को चूल्हे में रख दिया है, अब गैस को ऑन कर लेते हैं, फिर इसमें हम तेल डालेंगे। तो हम कड़ाही में तेल को गर्म कर लिया है, अब इसको फ्राई करने के लिए डालते हैं फिश को कुक करके। तेल सिकटता है इसलिए मैं ढक्कन को रखती हूँ हाथ में। हमने फ्राई कर लिया है, अब इसी तेल में हम बड़ी को फ्राई करेंगे। बड़ी को इसमें डाल देंगे। बड़ी भून चुकी है, बड़ी को हम निकाल लेते हैं। अब भी इसमें और तेल डाल देंगे हम कढ़ाई में, जो मेथी पत्ती है और प्याज पत्ती इसको डाल देंगे और भूनेंगे इसको। हमने सारे मसाले को पीस लिया है, इसमें हम मसाले को डाल सारे मसाले को पीस लिए मसालों को पीस लिया है डाल लेते हैं। अब इसको चला लेंगे हम और धीमी आंच में हमको मसाले को पकाना है। आधा चम्मच हम इसमें हल्दी डाल देते हैं,
और आधा चम्मच मिर्च पाउडर डाल लेंगे। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। हमको नमक की क्वांटिटी इसमें अब कम डालना है क्योंकि हमने फिश में भी नमक डाल दिया था, तो आधा चम्मच ही हम डाल रहे हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पकने देंगे। आप चाहे तो इसको ढककर भी पका सकते हो, बार बार खोल खोल कर देखना पड़ेगा। तो अब इसको थोड़ा ढक देते हैं, तो देखिए फिर खोल कर देखते हैं इसको और चला लेंगे हम। तो अब हम इसमें धनिया पाउडर डाल रहे हैं। एक चम्मच हमने धनिया पाउडर को डाला है, ये गरम मसाला है चिकन वाला, इसको हम एक चम्मच डाल रहे हैं। अच्छे से इसको मिक्स करके और भून लेंगे हम। पूरा पानी को सोखने तक इसको भूनना है हमको। अब पानी सूख गया, इसमें बड़ी को ऐड कर देते हैं हम। अब इसको भी मिक्स करके भून लेंगे। इसमें पानी डाल देते हैं, तो हमने आधा लीटर इसमें पानी डाला है। बड़ी को सूखा पकाना है, तो इस तरह से इसको मिला लेंगे। इसमें फिश को भी ऐड कर रहे हैं हम। अब मिला लेंगे थोड़ा, फिर ढककर इसको 10 मिनट तक पकने देंगे। तो देखिए 10 मिनट तक हम इसको पकने देते हैं। इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड किए हैं हम, अब ढक देते हैं। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को खोलकर देखते हैं। ये हमारा जो सब्जी है पक चुका है। अब इसमें हम ऊपर से और हरी धनिया ऐड करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी हरी धनिया लिए थे। और गैस को बंद कर देंगे। अब ये सब्जी रेडी हो चुकी है, तब इसको हम गैस से उतार लेंगे। ऐसा करते हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कैसा लगा कमेंट कीजिए जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो के साथ फिर आएंगे। धन्यवाद।